देसी मैजिक के लिए अमीषा पटेल ने लिया था 2.5 करोड़ रुपए का उधार, धोखाधड़ी के मामले में हो सकती हैं गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। अमीषा पटेल को हाउस ऑफ ठाकुरगंज के प्रोड्यूसर अजय सिंह को 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगाना महंगा पड़ गया है। उन्हें 8 जुलाई को रांची कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन कानून से बेखौफ अमीषा पटेल ना तो खुद पहुंची कोर्ट में, ना ही उनके पार्टनर कुणाल पहुंचे। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कोर्ट में दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, जिसके एवज में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। अब बहुत ही जल्द रांची पुलिस अमीषा पटेल को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये मामला पिछले साल का है, जब अमीषा पटेल ने फिल्म देसी मैजिक के लिए 2.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन उन्होंने पिछले एक साल से पैसे नहीं दिए। इसी के चलते प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने रांची की एक अदालत का रुख किया। अजय सिंह ने कहा कि अमीषा पटेल की यह फिल्म जून 2019 में रिलीज होनी थी, फिर इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि मुझे 3 करोड़ रुपए का चेक दिया गया था, लेकिन यह बाउंस हो गया। जब मैंने फॉलो अप करने की कोशिश की तो उनका रवैया बहुत बदला सा लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक छोटा निवेशक हूँ और मुझे चुप रहना चाहिए, लेकिन यह मेरा पैसा और मैं इसे ब्याज सहित वापस लूँगा। आपको बता दें कि 19 जुलाई को अजय कुमार सिंह फैमिली ऑफ ठाकुरगंज फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसमें जिमी शेरगिल, माही गिल, नंदी संधु, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया, इसमें जिमी शेरगिल, माही गिल, मनोज पाहवा खास भूमिका में है। फिल्म की कहानी दिलीप शुक्ला ने लिखी है, वहीं डायरेक्शन मनोज झा द्वारा किया गया है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।